बहराइच जिले के पखरपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोलागंज के कोठार गांव में पिछले 6 महीने से हैंडपंप खराब होने से नंदलाल सहित 150 लोगों को पानी के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं घनश्याम और यह है मेरा समुदाय। आपके यहाँ क्या समस्या है? हैंडपंप खराब हो जाने की पानी की समस्या है। 1 किलोमीटर पे हैंडपंप विद्यालय में लगा है, वहाँ से पानी लाते हैं तब पीते हैं। हैंडपंप कब से खराब है? 6 महीने से। तो हैंडपंप बनवाने के लिए कोई प्रयास किया? हमने प्रधान से कहा तो प्रधान ने बोला कि हमने इसको रिपोर्ट की दरखास्त दे दिया है। आपके यहाँ क्या समस्या है? हैंडपंप की। हैंडपंप की क्या समस्या? पानी नहीं आ रहा उसमें। तो उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं? पानी हमको मिल नहीं रहा है, कहाँ से लाएं, बच्चे को पिलाएं, कहाँ से लाएं, हरहा को पिलाएं। 1 किलोमीटर से लाते हैं तब बच्चों को हरहा को पानी देते हैं, टाइम से मिल नहीं रहा है। ये हैंडपम्प कब से ख़राब है? 6 महीने से। इस हैंडपम्प में कितने परिवार के लोग पानी पीते थे? 150। तो ये हैंडपम्प बनवाने के लिए कोई प्रयास किया आप लोगों ने? प्रधान से कहा, मंत्री से कहा, तो कोई सुन नहीं रहे। आपके यहाँ क्या समस्या है? हैंडपम्प के समस्या है, बिगड़ा है, पानी की समस्या है, न समय से पानी मिलत है हमका, न बच्चन का, न हरहा पसंद का। कितने लोग पानी पीते थे? 150 आदमी पी थे पानी। हैंडपम्प नल बनवाने के लिए कोई प्रयास किया? हाँ, प्रधान से प्रयास कीन गवागा, प्रधान कहें दरखास्त दीने हन नल सुधर जाए, लेकिन जान था कि जनता गरीब है, मूर्ख आदमी है, इनके कोई पैरुख तो है नहीं चले वाले। मैं और मेरा समुदाय चाहता है इस हैंडपंप की मरम्मत करवाया जाए ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो सके। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग पखरपुर ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 9454-46-47-13 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्याएं दूर हो सकें। मैं घनश्याम, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश, इंडिया, नाहट के लिए।